दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में गाइस आज का टॉपिक हमारा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी फ्रेशर है हैं या अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं देखो जब भी आप साइड पे जाओगे एक दिक्कत आपको सबसे ज्यादा वो परेशान करने वाली है वो है मेजरिंग टेप को पढ़ना क्योंकि जब भी साइड पे जाओगे तो सबसे पहला काम ही आपको आएगा टेपिंग करना मतलब आपको काम दिया जाएगा कि जाओ मेजरिंग मेजर कर लो कि इतना मार्बल हुआ है इसका कॉन्क्रीट का एरिया ले लो चीज आपको जाएगी तो जैसे आप साइड पे पहुंचोगे आपको टेप थमा दी जाएगी अगर आपको टेप पढ़ना नहीं आता होगा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है तो आज का टॉपिक वही है मैं सब बेसिक बताऊंगा टेप का आपको टेप कैसे पढ़नी है आपको साइड पे जाके कैसे दी जाएगी टेप सब टोटल क्लियर करने वाला हूं ये वीडियो मेरी टेप पे है जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि टेप में वन इंच कितना होता है फुट में कैसे दिया होता है कैसे टेप पढ़नी है आपको और इसी की कन्वर्जन की वीडियो देखो ये दो चीजें आपको परेशान करेंगी ये टेप का एक कन्वर्जन करना कि कहीं जगह पे क्या होता है कि कहीं पे पड़ता है फीट में कई जगह काम किया जाता है फीट में और जो आप इंजीनियर हो साइड पे जाओगे तो वहां मीटर एमएम ये देखने को आपको मिलेगा लेकिन अगर गांव की आप देखो कंस्ट्रक्शन वहां आपको सूत हो गया इंच हो गया फुट हो गया इनमें बात की जाती है तो आपको दोनों में टेप पढ़ना भी आना चाहिए और कन्वर्जन करना भी आना चाहिए तो वही मैं आज स्टार्ट करता हूं ठीक है पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं क्या है पहले देख लो वन इंच इक्वल टू टू सेंटीमीटर याद रखना अभी मैं बताता हूं आपको टेप का देखो आपको दिख रहा होगा इसको पहले मैं फोकस कर लेता हूं फोकस आपको अभी अच्छे से दिखेगा ठीक है जो ऊपर वाली टर्म है ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये है हमारे इंच मतलब जो ऊपर आपको टेप में दिखेगा एक दो तीन चार आगे दिखा देता हूं पांच छ सात जो ऊपर वाली टर्म्स आएंगी ना सब वो है हमारे इंच की रीडिंग हमेशा याद रखना इंच अभी इसमें क्या है देखो हमने क्या पढ़ा वन इंचवल टू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर अभी क्या होता है जो नीचे वाली रीडिंग है ये ये सेंटीमीटर है ये हो गया टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर अगर अभी हम स्टार्ट करें एक इंच में कितने है हमारे टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर तो यहां से स्टार्ट करते हैं ये एक दो एक सेंटीमीटर हो गया ये, ये दूसरा टू सेंटीमीटर और इस तरफ आप देखो थोड़ा सा इस तरफ भी है मतलब पांच पॉइंट फोर मतलब टोटल एक इंच में अगर यहां से यहां देखो ये कितने आ रहे हैं हमारे एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर और थोड़ा सा यहां भी है तो हो गया हमारा टू प्वाइंट फाइव फोर सेंटीमीटर मतलब ऊपर वाली हमारी इंच में आ गई नीचे वाली, वाली हमारी आ रहेगी टू दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर अभी देखो क्या होता है साइड पे मैंने जैसे कहा इंच और फुट में ठीक है इंच में तो पता चल गया हमारा ऊपर वाली है एक दो तीन चार इंच अभी नीचे वाली जो ये हो गया बीस सेंटीमीटर बीस एम एम तीस एम एम चालीस एम एम पचास एम एम साठ एम एम सत्तर एम एम अस्सी एम एम नब्बे और सो ये सो एम एम हो गया अब देखो अभी नेक्स्ट आते हैं हम वन इंच इक्वल टू सूत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी आता है और उधर जाके ये मतलब गांव वगैरह में सूत में भी होती है एक इंच किसके बराबर होता है हमारा आठ सूत के जब आप साइड पे जाओगे तो शायद आपको कोई इंटरव्यू में भी ये पूछ ले कि एक इंच कितने सूत होते हैं तो इसको समझने के लिए देखो क्या करना है अभी मैं पेन ले लेता हूं ये आ गया हमारा देखो एक इंच कहां से कहा सा? यहां से लेके यहां तक एक इंच है मतलब यहां आपको समझ आएगा एक इंच यहां से यहां है अब सूत एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ क्या हो गया एक इंच हो गया हमारा आठ सूत के बराबर यहां से लेके इसके अंदर जो भी पार्टीशन है मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ वो हो गया हमारा वन इक्वल टू एट सूट ठीक है ये इज, इजी चीज थी अभी मैं नेक्स्ट बताता हूं हमारा होता है एक फुट कितने इंच के बराबर होता है बारह इंच के बराबर देखो एक फुट कहां होता है पहले मैं दिखा देता हूं इंच चल रहा है हमारा एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह मतलब एक फुट कितने इंच के बराबर होता है बारह इंच के हमेशा याद रखना एक फुट हमारा कितना होगा बारह इंच और बारह इंच टेप में कहा दिखा होगा देखो ए लिखा है वन एक फुट मतलब ऊपर लिखा ऊपर में हमारा पहले इंच जाएगा उसके बाद जो फुट हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब फुट ये आगे फुट और इसको अगर 300 सौ एमएम देखने अगर आपने टेप में 300 सौ एमएम जैसे मैंने बताया नीचे में कितना है नीचे वाला एमएम में है या सेंटीमीटर में अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये हो गया हमारा नाइनटीन सेंटीमीटर अगर एमएम में देखेंगे तो हमारा हो गया एक सौ नब्बे एम एम नाइनटीन दो सौ एमएम दो सौ दस एम एम दो सौ बीस एम एम दो सौ तीस एम एम एमएम ये हो गया हमारा एमएम में और ये हो गया हमारा तीन सौ एमएम इक्वल टू अब हम मतलब हमारा हो गया एक फुट बारह इंच हो गया हमारा कि हमारा कितना हो गया एक फुट बारह इंच हमारा यहाँ आ गया मतलब एक ऊपर लिखा होगा जहां हमारा एक फुट हो जाएगा टेप में देखना और नीचे तीन सौ एमएम हो गया अभी दूसरी चीज देखनी हमें एक मीटर इक्वल होता है हमारा थ्री पॉइंट टू फीट मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको साइड पे आएगी क्योंकि जो मीटर में रहेगी वहां आपको कन्वर्जन आएगी एक मीटर होता है हमारा थ्री तो अभी एक मीटर हम देखो अभी कैसे पता करेंगे हमारा टेप में है एक, एक मीटर तो आते हैं हम आगे 800 सौ एम एम ये आ गया हमारा एक मीटर आपको दिखा देता हूं मैं ये आ गया हमारा टेप पे एक मीटर ठीक है और कहते हैं कि एक मीटर कितने इक्वल होता है थ्री पॉइंट टू फुट के तो अगर देखो यहां पे आप दिख रहा होगा थोड़ा मेरे को टेप पकड़ने में दिक्कत हो रही है एक मीटर ये हो गया अभी एक मीटर का पता चल गया हमें टेप पे ये हो गया ये मीटर अभी यहां ध्यान दो एक मीटर कितना इंच होता है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन ये याद रखना अभी मैं ये आपको दिखाता हूं लास्ट में पहले टेप देख लो एक मीटर होता है हमारा थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंच अभी यहां कितना है ये हो गया हमारा इंच ऊपर वाली लाइन जैसे मैंने कहा था कितनी है जो इंच वाली होती है ये आ गया थर्टी नाइन और पॉइंट थ्री सेवन इंच तो मतलब एक मीटर इक्वल टू तो कितना हो गया थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंच और इंच का अगर देखें तो एक दो तीन ये हो गया हमारा थ्री मतलब चार ही आ गया चार के ऊपर ही आ रहा है लगभग तो ये हो गया थर्टी नाइन अभी हम एक सेंटीमीटर कितना दस एम एम तो वही जैसे मैंने बात कही थी कि हमारा ये हो गया एक यहां से यहां कितना होता है दस एमएम ये ऊपर वाला हमारा सेंटीमीटर होता है टू थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर और अंदर देखो वो हो गया हमारा mm का जो छोटी छोटी रीडिंग है तो मतलब एक सेंटीमीटर दस mm हो गया तो यहां से ला, यहां एक सेंटीमीटर है तो और अंदर वाली रीडिंग भी कितनी है एक दो तीन चार पांच एक सात आठ नौ दस और वो हो गया दस एम एम मतलब इसमें कुछ नहीं आपको करना है एक चीज जो कन्वर्जन देखी जाती है एक और वो है वन यार्ड इक्वल टू तो थ्री फीट और थ्री फीट कहा है अगर हम अभी मैं आपको पूछूं सिंपल थ्री फीट कहाँ आ रहा है तो आप देख के बता सकते हो ये हो गया हमारा टू फीट ऊपर अभी आएगा हमारा थ्री फीट ये आ गया ठीक है और क्या कहा है वन यार्ड इक्वल टू थ्री फीट तो ये थ्री फीट यहाँ हम बता सकते हैं कि ये हो गया हमारा वन यार्ड अगर इसको आ, हमें देखना है अभी बताओ कि इसको एम mm में देखना है तो अगर लमसम कितना है नौ mm. सौ ठीक है अभी यार्ड का भी क्लियर हो गया हमें तो बेसिक क्या था हमारा ऊपर वाली लाइन जो होती है हमारी इंच में होती है हमेशा ध्यान रखना नीचे हमारी ये सेंटीमीटर में और इसको अभी कन्वर्ट करना हो mm में तो सीधा कन्वर्ट हो सकता है कोई मतलब इसमें कन्वर्जन यूज नहीं करनी है हमने सीधा पढ़ के बता देना है। ये अगर मैं इसको पेज को नापू देखो एग्जाम्पल देते हैं एक ये पेज नापते हैं हम कितना होता है ये पेज हमारा इर्द गिर्द है 210 सो दस और अगर इंच में हम बात करें तो ये हो गया 8.5 इंच हमारा पेज की लेंथ होगी ऐसे ही सिंपल नापते हैं अगर अभी मैं सूत बताऊं मेनली आज सूत का ही था तो देखो ये जो मैंने पेन से मार्क किया हुआ है सिक्स से सेवन तक ये हो गया हमारा एक सूत मतलब एक इंच इक्वल टू हो गया आठ सूत मतलब ये से छत तक हमारा हो गया आठ सूत और एक इंच कित, कितने के होते हैं आठ सूत तो यही बेसिक है इसका अभी मैं इसकी आपको एक बार दिखा देता हूं क्योंकि जो मैं बताता गया टेप के दौरान आपको नहीं समझ आया होगा एक इंच हो गया हमारा 2.54 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर कहीं लिख भी लो डायरी पे थोड़े दिन अगर इसको आप रिटर्न में रखोगे अपने पास यहां देखते रहोगे तो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक इंच हो गया आठ सूत मतलब एक इंच सेंटीमीटर में करना हो तो हमारा हो गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंच अगर इसको एमएम में वन इंच टू, में में देखना हो अगर फोर एमएम और एक फुट कितना होता है बारह इंच होता है एक मीटर कितने इक्वल होता है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंच होता है एक मीटर किसके थ्री पॉइंट टू एट फीट के इक्वल होता है और एक फीट हमारा कितना होता है बारह इंच के इक्वल और एक सेंटीमीटर कितना दस एमएम mm. और एक यार्ड कितने इक्वल होता है थ्री फीट ये बेसिक चीजें हैं जो आपको साइड पर दिखने मिलेंगी ज्यादा फीट और एमएम में ही है ज्यादा हमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है इसमें तो अभी मैं इसकी लाऊंगा कन्वर्जन की वीडियो वो जरूर देखना उसमें कन्वर्जन क्योंकि कन्वर्जन मेन है ये तो सिंपल सिंपल मैंने टेप से बता दिया कि देखना हो कई बार क्या होता है वहां पे हमें ड्राइंग आती है फीट में और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है mm में जहां मीटर में ड्रॉइंग होती है उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ता है या फीट में बिलिंग में भी काफी काम आता है कन्वर्जन तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दिया करो थैंक यू गैस